लोहरदगा सीट से समीर उरांव ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सांसद सुदर्शन भगत समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि हम बहुमत से लोहरदगा सीट पर जीत हासिल करेंगे। उनसे बात की हमारी संवाददाता भावना ने। लोहरदगा से सुदर्शन भगत मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, चमरा लिंडा जी का नामांकन कितने फायदेमंद आपके लिए साबित होगा? ऐसा है, राजनीतिक जीवन में और खास करके लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और मैं समझता हूँ कि इनके खड़ा होने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। और सुखदेव भगत जी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती है? ऐसा है, मैं उस ओर मैं दोनों के प्रत्याशी होने पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और धार ज्यादा है। तो आपको लगता है कि लोहरदगा मोदी जी के और खास करके उनके 10 साल के उनके कार्यों के आधार पर, आपने मोदी जी के कार्यों की बात की है, लेकिन वहीं सुखदेव भगत जी आपको काम गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है मानव तस्करी पर रोक नहीं लगा पाए, रेलवे की लाइनें नहीं बिछा पाए, रोजगार नहीं दे पाए, पलायन नहीं कर जो है कंट्रोल कर पाए। आज मेरा ही प्रयास है, माननीय मोदी जी का ही एक बड़ा सहयोग है कि आज लोहरदगा जैसे रेलवे स्टेशन में रांची राजधानी जैसे ट्रेन की ठहराव हो रही है, और आज अगर लोहरदगा में अगर आज बड़ी ट्रेनें अगर गुजर रही हैं तो ये भी एनडीए सरकार की ही देन है। कांग्रेस ने तो आज पिछले लगभग 50-60 साल तक शासन किया है, उन्होंने छोटी लाइन को बड़ी लाइन भी बदलने का काम नहीं किया। सर्वे का काम भी चल रहा आज लोहरदगा। कितना इस सीट से श्योर है आप? पक्का पक्का श्योर, और अपने कार्यकर्ताओं के दो तुल्य कार्यकर्ताओं के आधार पर, विश्वास के आधार पर। कॉन्फिडेंट समझे या ओवर कॉन्फिडेंट? ओवर कॉन्फिडेंट। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं कि ले डूबता है, लेकिन एक बार चाहूंगी कैमरामैन को पीछे की तरफ जो है तस्वीरें दिखाए। काफी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, जनसभा ये हुई, यहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल अभी आप सुदर्शन भगत को सुन रहे थे, लोहरदगा से सांसद हैं, और समीर उरांव जिन पर भाजपा ने भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है उनके समर्थन में पहुंचे थे। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज 11 भारत, गुमला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।